कसम खाकर कहता हूँ हजरत, मुझे भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चियों को मैं डॉक्टरी पढ़ाऊँ। इसे जितना हो सके शेयर करो, मुझे गालियाँ दें, बद्दुआ करें, जान से मारे, शहादत समझूंगा। जो माँ बाप और ये फितने करोड़पतियों के अंदर पाए जाते हैं, कौन कहता है कि इस्लाम तालीम का मुखालिफ है, लेकिन ऐसी तालीम की क्या ज़रूरत है जिससे हया बर्बाद हो जाए। अगर पर्दा ना हो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के बीच में, तो दोनों के बीच में शैतान वहाँ भी आ जाता है। मोबाइल से बच्चों, मेरी माएँ और बहनें, शादी से पहले तो बच्चियों को मोबाइल दो चुनो को। जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देकर मोहब्बत का दावा करते हैं, नोट करो इस बात को, आप भी नोट करो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे जितना हो सके शेयर करो, मुझे गालियाँ दें, बद्दुआ करें, जान से मारे, शहादत समझूंगा। जो माँ बाप और ये फितने करोड़पतियों के अंदर पाए जाते हैं, माफी चाहता हूँ, यहाँ पैसे वाले भी बैठे रहेंगे, मैं तुमना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस वक्त गरीबों से ज्यादा अमीरों की गीरत मर गई है, डर गई है। जो लोग, जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर मोहब्बत का दावा करते हैं, उनसे बड़े झूठे इस जमीन में कोई और नहीं है। मैं बाप ही नहीं समझता उसे, उसकी शफकत को किसी सूरत से मानने के लिए तैयार नहीं, जो बाप अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देता है और डरता है कि मेरी इज्जत को खतरा है। नहीं, जो माँ बाप अपने जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल देते हैं हाजी साहब, वो माँ बाप बाहर सर उठाकर चलने की ताकत नहीं रखते। मैं बड़े लोगों से भी कहता हूं, अपनी जवान बच्चियों को और जवान बच्चों को मोबाइल से बचाओ, मोबाइल से बचाओ। एक जमाना ताबीन और तबे ताबीन का, और आज से भी 100 साल पहले का, आप तहकीक करके देखें, जिस जवान बच्ची के हाथ में पेन आ जाता था, पेन, उसे रिश्ते नहीं आते थे। आज बमड़ियां शुरू हो गई, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और वो बमड़ियों का साथ हमारे कुछ मुसलमान भी दे रहे हैं। एक मर्तबा मेरे सामने बैठो, मैं इस उनवान पर मुनाजरा तक करने के लिए तैयार हूं। पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, कब कहते हैं, कौन कहता है कि इस्लाम तालीम का मुखालिफ है, लेकिन ऐसी तालीम की क्या जरूरत है जिससे हया बर्बाद हो जाए। ऐसी तालीम की क्या जरूरत है जिसको हमारे बच्चे पाए और माँ बाप हर पल मौत के घाट उतरे। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ये जुमला इतना आम हो गया है, सिर्फ जिंदगी का मकसद पढ़ा ही है, ये समझे हैं अहमक लोग। इन अहमकों के कान तक बात पहुंचाना चाहता हूं, बगैर हया की तालीम इंसान को कभी कामयाब नहीं कर सकती। मौके फराहम करो, हमें फतवे देंगे, लड़का लड़की अलग पढ़े, तालीम में इंटरनेट ना हो, तालीम में व्हाट्सएप ना हो, तालीम में फेसबुक ना हो। कसम खाकर कहता हूं हजरत, मुझे भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चियों को मैं डॉक्टरी पढ़ाऊं, रास्ते भी थे मेरे पास, थोड़े बहुत माली वसाइल थे, तो दूसरा मेरी पहुंच हुकूमत तक भी है। मैं अगर कुछ कोशिश करता तो मेरे बच्चियों को सीट मिल सकती, लेकिन ऐसी तालीम की क्या जरूरत है। आधा घंटा बच्ची लेट आई तो माँ बाप के पित्ते पानी हो जाए, 10 मिनट बच्ची लेट आई तो माँ बाप के पित्ते पानी हो जाए। क्या फरमाया हजरत बायजीद बुस्तामी,
पढ़ाना है तो पहले बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, पढ़ाना है तो हदीस पढ़ाओ, पढ़ाना है तो फिकह पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाना है तो पहले शर्म पढ़ाओ, हया पढ़ाओ, माँ बाप की अजमत पढ़ाओ, शौहर के हुकूक पढ़ाओ, पढ़ाना है तो फातिमा का किरदार पढ़ाओ, आयशा का किरदार पढ़ाओ, खदीजा का किरदार पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। हमारी बच्चियां जब पढ़ने जाती है तो फिर हमको मिलता क्या है? मुझे इल्जाम लगाओ, बोहतान लगाओ, कुछ भी करो, मैं अपनी बात पर अटल हूं कि मैं पढ़ाई का मुखालिफ नहीं हूं। आज तालीम के रास्ते इत्मीनान बख्श नहीं है, तालीम के रास्ते महफूज नहीं है। क्या दुनिया नहीं जानती पढ़ाने वाला टीचर पढ़ने वाली बच्ची के साथ फरार हुआ है? चक्कर नहीं चल रहा है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या कहा, काबतुल्लाह के साये में, अल्फाज याद रखो, बायजीद का खौल मेरे पास महफूज है, बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया, काबतुल्लाह के साये में बैठकर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो। हसन बसरी कौन? ताबीन में से, जिनको हुजूर की बीवी उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पीने का शरफ हासिल। इस निस्बत से हाजी साहब, हसन बसरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बेटे हुए। रजाई बेटे हुए। किसी की बीवी का दूध कोई बच्चा या बच्ची पीते हैं तो उस औरत का शौहर उस बच्चों के हक में रजाई बाप बन जाता है। हजरत हसन बसरी हुजूर के रजाई बेटे बन गए। बायजीद का कौल सुनो, बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया, काबे के साये में पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो। अल्लाहु अकबर। राबिया बसरिया कौन? राबिया बसरिया कौन? करामात औलिया में यह बात दाखिल है, राबिया तो वो है जिसका एहतराम काबतुल्ला भी करता था। यह सूफियाना कलाम है, हमारे अपने अपने मसलक की मोहब्बतें और बातें हैं। खुद हजरत इब्राहिम बिन अधम फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं जब काबे को हाजिरी दिया, तवाफ कर रहा था तो मेरी नजर काबे पर पड़ी, तो मेरी नजर जब काबे पर पड़ी मैं देखता क्या हूं कि काबे पर जो तजल्ली नाजिल हो रही थी, तवाफ करने वालों पे किसी पर वो तजल्ली नाजिल हो रही है, करीब जाकर देखा तो कोई और नहीं, वो राबिया बसरिया थी। ऐसी अल्लाह की बंदी जिसके दरवाजे पर मारिफत का इल्म लेने के लिए बड़े बड़े औलिया जाते थे, लेकिन बायजीद बुस्तामी ने एहतियात का वो जबरदस्त पहलू रखा, फरमाया कि काबे के साये में हजरत हसन बसरी पढ़ाने वाले हो, राबिया बसरिया पढ़ने वाली हो, और तालीम कुरान की हो, पर्दा ना हो, ये भी फितना है। आह, समझ में आ रही है प्यारो? सामने बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, पर्दे में औरतें बैठी हैं, पर्दे से मैं पूछना चाह रहा हूं, ये कौल समझ में आ रहा है? पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाली राबिया बसरी, जगह कौन सी? बंबई नहीं, दिल्ली नहीं, अमेरिका नहीं, जापान नहीं, चाइना नहीं, गुनहगार से गुनहगार भी समल जाता है काबे को देखते ही। वैसे काबे के साये में बेपर्दगी के साथ तालीम भी कौन सी? कुरान की। बायजीद फरमाते हैं, अगर पर्दा ना हो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के बीच में, तो दोनों के बीच में शैतान वहां भी आ जाता है। फिर हमारे कॉलेजेस कौन से काबे से भी ज्यादा मुकद्दस हो गए?
पढ़ाने वाले हसन बसरी से भी ज्यादा मकाम एहतराम तक पहुंच गए। पढ़ने वाली बच्चियों का दर्जा क्या हजरत राबिया बसरिया से भी पढ़ गया? पढ़ाओ साहब, पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाओ, BBA, MBA, क्या किए क्या किए पढ़ाओ, लेकिन अगर दरमियान में पर्दा और जिंदगी में एहतियात ना हो तो फिर हमेशा माँ बाप की जिंदगी और माँ बाप की इज्जत खतरे में होती है। मुझे उनकी अकलों पर छींकना भी पसंद नहीं मौलाना, मुझे उनकी अकलों पर छींकना भी पसंद नहीं जो अपनी हया कुर्बान करके अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं।